अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से मजे करोगे, फिट फाट होगे, तबीयत वगैरह ठीक होगी, आप लोगों की ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आई फ्लू हमारा ठीक हो चुका है बिल्कुल 100%। तो यार आज हम आए हैं एक और कंटेंट के साथ, वो होने वाला है वट इज़ ऑन माई iPhone 11। तो यार हाँ, तुम लोगों को मैं बताने लगा कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ करता हूँ, बल्कि मैं बता ही चुका हूँ, मेरा जो फ़ोन है वो है iPhone 11। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो ये मेरा मोबाइल फ़ोन है जिससे मैं व्लॉगिंग करता हूँ, जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे सारे व्लॉग इसी फ़ोन से बने हुए हैं आज। लेकिन हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं iPhone 14 Pro Max, मम्मा का है भाई, तो बड़ी मुश्किल से हमें मिला ही ज़्यादा से लेकर। अभी हम चलते हैं अपने मुद्दे पे कि मेरे आईफोन में क्या क्या है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़ोन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँ ना पहले, कि तुम लोगों को साइड पे स्क्रीन शो कराऊंगा। तो यार मैं भी तुम लोगों को, तुम लोग साइड में स्क्रीन शो हो रही होगी। तो यार सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ सबसे पहले वीडियो को तुम लोगों को सबसे पहले मैं क्या दिखाऊँ, तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को अपने आईफोन का वॉलपेपर दिखा रहा हूँ। मैंने अभी जो वॉलपेपर लगाया हुआ है, रात का टाइम है, इस वजह से मैंने ये वॉलपेपर लगाया हुआ है सितारों वाला, तो मेरा ना वॉलपेपर हिसाब से होता है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को अपने वॉलपेपर्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ से नोटिफिकेशन टैप के ऊपर करके इस पर प्रेस करके रख लेते हैं। तो ये देखो मेरे आईफोन के सारे वॉलपेपर आ गए। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये है बाबर आजम वाला वॉलपेपर, जो मैं, मुझे बाबर आजम बहुत पसंद है, बस मैं तुम लोग हैकिंग है भाई बाबर आजम। तो यार ये वाला वॉलपेपर मैं लगाता हूँ ज़्यादातर। उसके बाद जो मेरा वॉलपेपर है ये वाला, ये मैंने ऐसे ही बनाया था, इस्तेमाल मैंने नहीं किया अभी तक, तो मैंने अच्छा ही लगा। उसके बाद है ये वाला वॉलपेपर जो iOS 17 के साथ आया है, और ये भी मेरा वन ऑफ माई फेवरेट वॉलपेपर बन गया है। इसका भी मैं यूज़ करता हूँ डे टाइम में, जब मुझे मतलब कहीं नजर आते हैं देखो, और ये कूल और अट्रैक्टिव भी लगता है। लेकिन अब ये जो है ना बहुत ज़्यादा चल चुका है, इस वजह से मैंने अभी इसको हटाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरी अपनी शक्ल का वॉलपेपर है भाई, मतलब कि मेरा अपना अपने मतलब कि मेरा वॉलपेपर है। तो यही मेरी DP CP थी, तो वो मैंने अभी चेंज किया कल परसों। उसके बाद अभी ये वाला वॉलपेपर है, और ये वाला मुझे खास पसंद नहीं, इसको मैंने वैसे भी डिलीट करना था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये चुमियों चुमियों वाला है, इसमें विजिट्स लगे हुए हैं दिल वगैरह वाला, बैड है। उसके बाद है सिद्धू मूसे वाले का वॉलपेपर, दाऊ चुप चुप के देखना यार, आपने आना तो आ जाओ वरना। तो इस सिद्धू मूसे वाले वॉलपेपर का मुझे ये वाला वॉलपेपर खुद जो है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सिद्धू मूसे वाला इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर पंजाबी सिंगर्स में। ठीक है, अब ये वाला मैं क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि इस पर टिकटॉक का लोगो शो हुआ है, इस वजह से मैं अभी इसको नहीं लगा रहा। मैं कोई और फोटो या फिर वीडियो सेलेक्ट करके जो है ना सिद्धू मूसे वाले भाई की लगा दूंगा। उसके बाद ये वाला भी एक वॉलपेपर है मेरा, वन ऑफ माई फेवरेट वॉलपेपर ये भी है। अब ये वाला मैं रात को लगाता हूँ, ये वाला मैं नाइट को यूज़ करता हूँ वॉलपेपर अपना ना रात के टाइम। और ये पहाड़ और ये वाला, इसकी ना ग्राफिक क्वालिटी ख़राब है, सो डैट्स वाई मैं इसको यूज़ नहीं करता। उसके बाद ये वाला तो मेरा लगा हुआ था, फिर उसके बाद ये वाला पसंद है मुझे, ये वाला भी मैं नहीं यूज़ करता भाई, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाला है मैं सही है, मैं क्या कर रहे हो, मैं अपने फ़ोन के अंदर क्या क्या बता रहा हूँ, इस तरह आगे बैठो यार। तो दाऊद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, उसके बाद है मेरा ये वाला वॉलपेपर अपनी तस्वीर वाला, तो यार इसको भी जो है ना मैं कम ही लगाता हूँ। और ये वाला भी अच्छा ही है। और अभी इसके साथ की मेरी जो है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक लगी हुई है, और बस ये अभी काफ़ी सारे मेरे वॉलपेपर हैं यार। तो अभी जो है ना हम ये वाला लगा लेते हैं वॉलपेपर, वीडियो को आगे करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद जो है मैं अब तुम लोगों को अपनी होम स्क्रीन दिखा रहा हूँ, तुम लोग नज़र आ रही है। सबसे पहले मेरा रिमाइंडर में, अब रिमाइंडर का आपके भाई ने अभी कोई नहीं लगाया हुआ यार, कोई काम ही नहीं है आपको, तो मैं क्या लगाऊँ, ये मेरा फेस टाइम है, तो इसमें मैं क्या दिखाऊँ तुम लोगों को। उसके बाद है नोट्स पे, यार ये मेरा सारा समर पैक वगैरह का लगे हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, ये पर्सनल जो चीज़ें होती हैं वो उसके पासवर्ड वगैरह वाले। उसके बाद है कैमरा, कैमरे में यार तुम देख सकते हो ये मेरे कैमरे का रिजल्ट है, इसी से मैं व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। कैलेंडर है, कैलेंडर में मैंने क्या सबके फ़ोन में होता है। फिर है फोटोज़ गैलरी, तो यार ये देख सकते हो ये मेरी गैलरी हो। तो यार आज रोटी हमने कब खाई थी, जो सालन उसकी तस्वीर है मेरे सुबह, और ये मैं पता नहीं है क्या बनाई है, मुझे नहीं पता, ये पता नहीं कौन बनाता रहा, ये मैंने बाइक का काम करवाया, शीशे शीशे लगाए,
बस ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं जाते, बस इतनी दिखानी है तुम लोगों को। उसके बाद फैमिली की पिक आ जाती है, फिर अंदर कोई फाइंड माई है, उसके बाद रिमाइंडर्स है, मैप है, मेल मेल है मेरे पास आई है, वेदर स्टॉक बुक्स ऐप स्टोर, ऐप स्टोर अभी नेट ऑफ है तो कुछ शो नहीं होगा, पॉडकास्ट टी वी कॉल हिस्ट्री भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, तो ये तुम लोग दे सकते हो, ये मैंने कॉल्स की हुई हैं सारी, ठीक है। उसके बाद जो है मैसेज, तो यार ये मेरे सारे मैसेजेस हैं, ठीक है तुम लोग देख सकते हो, मैं तुम लोग को सारे दिखा दिए हैं, नीचे ज़रा फैमिली के मैसेजेस हैं तो वो नहीं मैं दिखा सकता। फिर है हमारा सफारी, तो यार ये सफारी का भी मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, और ये 2031 जो मैंने सर्च किया हुआ है, ये मैंने टिकटॉक पे देखा था, तुम लोगों ने शायद देखा हो कि कुछ लोग 2029 सर्च कर रहे हैं, और वो गूगल क्या बता रहा है, मैं तुम लोगों को फिर भी सर्च करके दिखा देता हूँ ये, तो इसलिए फिर किसी ने कमेंट में कहा था आल्सो सर 2031 2031, तो मैंने ये किया था, लेकिन आई डोंट फाइंड एनीथिंग। अब मैं इधर टैब्स में आके तुम लोग को टैब्स भी दिखा देता हूँ भाई, टैब्स में आओ तो बस फिक्स माई स्पीकर, मेरे आईफोन के अंदर पानी चला गया था, डैट्स वाई आई ओपन दिस साइट, तो तुम लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत, तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मैंने हमारा एक कज़न है, स्वीट कज़न वो है, और ये रोहेल स्किल्स पता नहीं मुझे किसने ऐड किया, मैं अभी इसको लीव भी कर दूंगा, और बस और कुछ भी नहीं है, नीचे ग्रुप है ना इसमें मुझे ऐसे ही उन्होंने ऐड किया। कितने मिनट की बनी है? 9 मिनट। अच्छा अभी आगे देखते हैं फेसबुक को, फेसबुक पे आने के बाद ये सारे आ जाते हैं क्रिकेट टीम के, मगर मैं फेसबुक बिल्कुल नहीं यूज़ करता, बस एक ही रीज़न है, बस एक रीज़न है जिस वजह से मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, और कोई नहीं, तो वो क्या है मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता, ठीक है कभी बताएंगे, बाद में बताएंगे। उसके बाद मेरा मैसेंजर आया था, उसमें कोई खास नहीं, आईमो है, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स मैं जो है ना इतना यूज़ नहीं करता, मगर फिर भी आई हैव नेटफ्लिक्स। टिकटॉक की मेरी आईडी है, सारी सोशल मीडिया के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, फिर साउंड क्लाउड है जिसमें से बंदा गाने गुने सुन लेता है, तो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ आजकल कौन सा मैं सुनूँ, दिल हमारा सुनूँ, आफ्टर हावर्स बहुत पुराना है मगर अच्छा लगता है, बेख्याली काबिर सिंह का है, मुसाफिर है, ख्वाब कमली चेक्स है, वन लव शुभ का जो बहुत चल रहा है आजकल, आई लव पंजाबी सॉन्ग क्योंकि मैं हूँ भी पंजाबी, ठीक है। फिर स्नैपचैट, स्नैपचैट में मैं तुम लोगों को क्या दिखाऊँ, तमाशा फॉर क्रिकेट फॉर वर्ल्ड कप, ठीक है, डीजी खाते में मैं बाबा का और मेरा खाता चलता रहता है, मैं वो ऐड करता रहता हूँ। फिर ये एक्स नाम की ऐप है जो कि ट्विटर है, ये भी है मेरा बिजनेस सूट, एड्स मैनेजर, जैस कैश, इजी पैसा, सादा पे, क्रीम, ऊबर, इन ड्राइव, फूड पाना, चीता द्रास, गोलूटलो है, ओलेक्स पाकिस्तान, आई मोस्ट यूज, माई मोस्ट यूज ऐप ओलेक्स पाकिस्तान, आई प्रेफर सेवियर, आई मैं कसम से मैंने एक दफ़ा भी नहीं यूज़ की सेवियर, बस इंस्टॉल की थी। जूम मैं बहुत यूज़ करता हूँ, जूम पे हम मतलब कि अपनी फ़ोन की स्क्रीन वगैरह शेयर करनी हो तो ईजी रह जाता है, और आजकल तो व्हाट्सएप ने भी जो है ये जो है ना फीचर दे दिया, जी मेल, गूगल फोटोज, ड्राइव, यूट्यूब स्टूडियो है, यूट्यूब की ऐप है कैपकट जिससे मैं एडिटिंग करता हूँ, पिक्सआर्ट है जिससे मैं काफ़ी चीज़ें बनाता हूँ, और माइनक्राफ्ट यार मैंने दिल पे पत्थर रख के पे किया था, ठीक है, और कार पार्किंग है इसमें मैंने, रोब्लॉक्स। अब ये है मेरे मोबाइल में जितनी भी चीज़ें हैं, और मैं आप तुम लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद होगी मगर अब मैं तुम लोगों को क्या करना है, और मैं जो कवर यूज़ कर रहा हूँ अभी ये वाला, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि चलता है, मैं तुम लोग को इसको चढ़ा के दिखा देता हूँ कि मेरे फ़ोन की इस तरह की लुक आ रही है भाई साहब। तो हाँ, तो फिर आज मेरे पे कोई इतना कंटेंट नहीं था, मैंने इस वजह से अपने फ़ोन का प्रीव्यू दिया था, तो तुम लोगों को बताना तुम लोगों को कैसा लगा, तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, चैनल ना छोड़ के जाया करो।